बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ खुद को मजीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पानीपत की पहली जंग के बारे में जानेंगे। लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड को क्लिक कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। अब हम जानते हैं कि पानीपत की पहली जंग के बारे में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन द इनवेडिंग फोर्स ऑफ जहीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम खान लोदी विच टुक प्लेस इन अप्रैल 1526 CE इन नॉर्थ इंडिया। पानीपत की पहली जंग जो थी वो जहीरुद्दीन बाबर के फौजियों और इब्राहिम खान लोदी के दरमियान लड़ी गई थी, जो हिंदुस्तान, जो शमाली हिंदुस्तान में अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर मार्च्ड फ्रॉम काबुल टू इंडिया टेरिटरीज एंड रीच सियालकोट विदाउट मीटिंग एनी रेजिस्टेंस। बाबर ने काबुल से हिंदुस्तानी इलाकों की तरफ कूच किया और बगैर किसी रेजिस्टेंस मुजहमत के सियालकोट पहुंचा। इट वॉज हार्ड फॉर दौलत खान लोदी टू स्टैंड अगेंस्ट बाबर, सो ही एट वंस शोड हिज सम्बिशन। दौलत खान लोदी के बारे में बाबर के मुकाबले में खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए इसने फौर ही अपना जो सर था तस्लीम खम कर दिया और मैं हार गया हूं। बाबर कंक्वायर्ड द वेस्टर्न टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड देन मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। बाबर ने पंजाब के मगरबी इलाकों को फतह किया और फिर दिल्ली की तरफ वो कूच कर गया था। मीनवाइल इब्राहिम लोदी assembled a large army and reached the battlefield of Panipat. इसी दौरान इब्राहिम लोदी ने एक बड़ी फौज जमा की। जब उसने देखा कि बाबर ने ये इलाके फतह कर लिए और वो अब दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो इसी दौरान उसने इब्राहिम लोदी ने एक बड़ी फौज जमा की और पानीपत का जो मैदान था मैदान जंग में पहुंच गए। बाबर वॉन द बैटल आफ्टर वैनक्विशिंग दिल्ली। बाबर एंटर्ड इनटू आगरा एज अ कंक्वायरर। और बाबर जो था वो जंग जीत गया और दिल्ली को फतह करने के बाद बाबर एक फातहा के तौर पर आगरा में भी दाखिल हुआ था। देख सकते हैं, लुक एट द फरगाना, समरकंद और फिर काबुल और फिर ये लाहौर में एंटर हुआ और ये पानीपत का मैदान और यहां जंग लड़ी गई थी और इसके बाद वो आगरा में दाखिल हुआ था इस तरफ। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, पानीपत इज एन ओल्ड टाउन इन हरियाणा एरिया ऑफ इंडिया। इट इज 95 km नॉर्थ ऑफ दिल्ली एंड 169 किलोमीटर साउथ ऑफ चंडीगढ़। पानीपत जो है हिंदुस्तान के इलाके हरियाणा का एक पुराना शहर है जिसका नाम है पानीपत। ये दिल्ली के शुमाल में 95 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 169 किलोमीटर जनूब में है। पानीपत जो है, जो पानीपत के नाम से जो फर्स्ट जंग लड़ी गई थी, वो एक शहर और एक इलाके का नाम है जो हरियाणा का पुराना इलाका था। जी आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, जो हम इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रीजंस ऑफ बाबर सक्सेस, बाबर की कामयाबियों के क्या सबाब थे जो उसने वो इतनी बड़ी पानीपत की जंग लड़ी और वो कामयाब हुआ और पूरे बरसगीर में उसने हुक्मरानी की, इसकी रीजंस के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।